आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, पार्स समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। हरिद्वार में हाथियों के झुंड ने किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया है। देर रात हाथियों के एक झुंड ने गांव के नजदीक गन्ने और गेहूं के फसलों में जमकर उत्पात मचाया। वहीं फसलों की रखवाली कर रहे किसानों ने ग्रामीणों को हाथियों के आने की जानकारी दी और किसानों ने हाथियों के आने की सूचना वन प्रभाग को भी दी। फसलें बर्बाद होने के बाद किसान इस वक्त मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं गढ़वाल में प्रदेश के उच्च शिक्षा, सहकारिता और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने श्रीनगर विधानसभा के अंतर्गत सीमांत गांव वो पहुंचे हुए थे। इस दौरान स्थानीय लोग मंत्री को अपने बीच पाकर खुश नजर आए और उनका जोरदार स्वागत किया गया। मंत्री ने गांव में पहुंचने पर नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 10 लाख की लागत से हेल्थ और वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने 227 महिलाओं को मुख्यमंत्री घस्यारी किट का भी वितरण किया। वहीं चंपावत में भारतीय जनता पार्टी में हो रही विजय संकल्प यात्रा में शामिल होने जा रहे थे, जिस दौरान एक कार एक्सीडेंट हो गया। आपको बता दें कि इस घटना के दौरान कार में 2 बच्चे और 12 लोग शामिल बताए जा रहे थे, जिसमें से 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को एम्बुलेंस के जरिए संयुक्त चिकित्सालय टनकपुर में भर्ती कराया गया है, जहाँ घायलों का डॉक्टरों की टीम की ओर से उपचार किया जा रहा है। जब विजय संकल्प के लिए हम चंपावत को गाड़ी जा रही थी सुगिडांग से नीचे सिंगाली से जस्ट ऊपर, तो एक गाड़ी चंपावत से होते हुए आ रही थी और हमारी गाड़ी जब जा रही थी ऊपर साइड थोड़ा पाला पड़ा हुआ था, पाले में गाड़ी रपट गई थी और जिससे ये हादसा हुआ। और हम लोग 10 लोग थे और 2 बच्चे थे, तो उनको बच्चों को लगा के 12 लोग हुए और उनमें से 3 लोगों को थोड़ा ज़्यादा चोटें आई हैं, जिसमें रघुवर सिंह जी हैं और कृष्ण सिंह जी हैं और आपके क्या कहते हैं बालम सिंह जी हैं, और लोगों को खरोचें आई हैं। और जो 3 लोगों को ज़्यादा चोट आई है वो अभी वही रुड़की क्षेत्र के भारत नगर में अब्दुल कलाम आजाद एकेडमी के नाम से शुभारंभ हुआ है, जिसमें एकेडमी के बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्राप्त होगी। साथ ही साथ ड्रेस देने का काम भी अब्दुल कलाम आजाद एकेडमी की ओर से किया जाएगा। इस मौके पर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल राणा ने कहा कि यह बहुत ही अच्छी पहल है। यहाँ पर अब्दुल कलाम आजाद एकेडमी का शुभारंभ हुआ है, जिसमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। यह बहुत ही पिछड़ा वर्ग माना जाता था। वहीं मोहम्मद नदीम मलिक ने बताया कि समाज उत्थान कमेटी की तरफ से अब्दुल कलाम एकेडमी का शुभारंभ किया गया। इस एकेडमी के खोले जाने से इतना ही मकसद है कि हर गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा का लाभ मिल सके। दान समिति है, ये इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। देखिए, इस क्षेत्र के अंदर निःशुल्क बच्चे जो यहाँ पर तालीम लेंगे वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एक गरीब तबके का बच्चा अगर यहाँ पर आपने देखा है, ये बहुत ही पिछड़ा हुआ वर्ग है। अगर आप इसे नहीं उठाएंगे, इसको तालीम नहीं देंगे, तो हिंदुस्तान तरक्की की राह पर नहीं जाए। स्कूल की ओपनिंग का मकसद यह है कि क्षेत्र में गिर रहे शिक्षा के स्तर को ऊपर बढ़ाने के लिए, बच्चों को यहाँ शिक्षा प्रदान कराने के लिए समाज उत्थान समिति द्वारा एक निशुल्क अब्दुल कलाम आज़ाद एकेडमी की स्थापना की गई है, जिसमें अपने यहाँ के जो बच्चे हैं क्षेत्र के, जो पढ़ नहीं सकते, जिनके पेरेंट्स उनका खर्चा नहीं उठा सकते, उसको देखते हुए एक बहुत ज़रूरी कदम समाज उत्थान समिति द्वारा उठाया गया है। बच्चे इसके अंदर शिक्षित होंगे और इस क्षेत्र का विकास भी होगा। जब बच्चे शिक्षित होंगे तो क्षेत्र का विकास भी होगा। इसमें खास बात यह है, एक तो देखो इसमें किसी तरीके का कोई धर्म जाति का कोई मतलब नहीं है, जो भी गरीब बच्चे होंगे वो इसमें शिक्षा प्राप्त करेंगे। सर, एजुकेशन तो हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक समय का अगर खाना ना मिले वो चलेगा, लेकिन एजुकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन से तो बच्चे शिक्षित होंगे तो उन्हें लाभ होगा। कल को वो पढ़े लिखेंगे, अफसर बनेंगे, अपने शहर का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। सितारगंज महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट में शहीदों के लिए भावभीनी शोक श्रद्धांजलि सभा व शांति पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सैनिकों ने जनरल बिपिन रावत व अन्य हेलीकॉप्टर क्रैश में 14 शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शोक सभा में स्कूली छात्राओं ने शहीदों के सम्मान में देशभक्ति गीतों का भी गायन किया।
सभा में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने शहीदों को नमन करते हुए उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और भावभीनी श्रद्धांजलि दी। क्षेत्र विधायक सौरभ बहुगुणा, पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे व क्षेत्र के समस्त नागरिक व पूर्व फौजियों ने गौरव सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। समारोह को हमने सभी जो एक्सर्विसमैन संगठन गौरव सेनानी संगठन सितारगंज उसका सभी ने मिलकर के उनके 14 आदमियों को श्रद्धांजलि समारोह रखा है, तो उसके बीच में ये सभी प्रोग्राम हमने किया है। सबका हम जो जो जिसने हिस्सा लिया उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। हमारे फौज हमारे लिए प्रेरणा है और उत्तराखंड के लिए तो बहुत गौरव की बात थी कि पहला चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ हमारे उत्तराखंड से रावत जी हुए। और 8 दिसंबर का दिन तो बहुत ही दुखद दिन था, हमने 13 वीर अपने ऑफिसरों को उस दिन खो दिया। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सही श्रद्धांजलि ये होगी कि हम जो भी लोग हैं, चाहे व्यापारी हों, कर्मचारी हों, अधिकारी हों, हम भी अपनी भूमिका निभाएं, ईमानदारी से निष्ठा से कार्य करें और देश को जो है मजबूत बनाने के लिए अपना योगदान दें, समाज में प्रेम भाव बनाए रखें। हरीश रावत के ट्वीट का मामला दिल्ली पहुंच गया है और कहा जा रहा है कि कई केंद्रीय नेता हरीश रावत को मनाने में जुट गए हैं। दरअसल हरीश रावत के कांग्रेस छोड़ने की चर्चाएं हो रही हैं। बता दें कि उत्तराखंड में चुनाव कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत हैं। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल के कई वरिष्ठ नेताओं ने हरीश रावत से मुलाकात की। हरीश रावत की नाराजगी वाले ट्वीट के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं ने चुप्पी साध ली है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार पौड़ी में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चुनावी सामग्री के विषय में चर्चा की गई और बैठक का आयोजन हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रति उम्मीदवार के लिए 30,80,000 रुपए तक की राशि व्यय करने का प्रावधान रखा गया है, इससे ज्यादा प्रत्याशी खर्च नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी राजनीतिक दल सरकार संपत्तियों पर चुनाव संबंधी सामग्री नहीं लगा सकता। साथ ही उन्होंने संबंधित नोडल अधिकारी को निर्देशित किया कि चुनाव सामग्री में की लिस्ट प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया की दरों सूची NIC वेबसाइट में अपलोड करना भी सुनिश्चित किया जाए, जिससे राजनीतिक दलों के प्रत्याशी या प्रतिनिधि वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कर सके। वही नई टिहरी उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा मार्ग पर ठेकेदार कंपनियों ने जिस तरह से अधिकृत जमीन भारी भरकम मशीनों से 90 डिग्री एंगल पर कटिंग करके व्यक्तिगत सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि जिला प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री सरकार तक शिकायत की लगातार 6-7 महीने तक प्रयास किया गया, बावजूद इसके अब तक इस पूरे मामले में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। वहीं अब मामला हाईकोर्ट के एडवोकेट संदीप कोठारी के माध्यम से माननीय हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करवाई जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि पहली बार टिहरी बांध की तर्ज पर चारधाम यात्रा मार्ग पर अधिकृत परिसंपत्तियों के बाहर का नुकसान का आकलन करके उसका भी भुगतान होगा। रोहतक चार धाम यात्रा मार्ग पर ठेकेदार कंपनियों ने जिस तरह से हैवी मशीन से 90 डिग्री एंगल पर कटिंग करके वहां पर जो एक्वायर एरिया के व्यक्तिगत और सार्वजनिक परिसंपत्तियां थी उनको नुकसान पहुंचाने के साथ खड़ी कटिंग के कारण जो लैंडस्लाइड जोन डेवलप हुए हैं उसके बाद एक्वायर एरिया से बाहर भी लोगों को नुकसान हो रहा है। मैंने लगातार कई बार जिला प्रशासन से लेकर के मुख्यमंत्री तक सरकार तक इसकी शिकायत करके लोगों के नुकसान की क्षतिपूर्ति का निवेदन किया, लेकिन जब लगातार 6-7 महीने के प्रयास के बाद उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो मैंने एडवोकेट संदीप कोठारी के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करवाई और कल उस पर माननीय न्यायालय ने एक आदेश दिया जिसमें जिलाधिकारी को आदेशित किया गया है कि आप इन सारे चमोली जिले के घाट के दूरस्थ गांव घुरी में एक ही परिवार के मुखिया सहित 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। तहसीलदार धीरेंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर 5 शवों का पंचनामा भरकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
वहीं बता दें कि पुरुषोत्तम सिंह गोसाई ने इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि मृतक ने अपने तीनों बच्चों और पत्नी को जहर दिया और उसके बाद दूसरे मकान में खुद को भी फांसी पर लटक कर आत्महत्या कर ली। आधुनिक शिक्षा विद्यालयों को हाईटेक सुविधा लैस करना और शैक्षणिक उन्नयन को बढ़ावा देने के लिए विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान दो कक्षों का उन्होंने लोकार्पण किया है। इस अवसर पर विकास नगर ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह, विद्यालय शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं एवं भीमावाला ग्राम पंचायत के गणमान्य अभिभावक वहां पर मौजूद रहे। इस अवसर पर विद्यालय में छात्र छात्राओं अभिभावकों को संबोधित करते हुए विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि जीवन की सार्थकता को अगर समझना हो तो समाज में बच्चों की शैक्षणिक उन्नयन से ही यह संभव है। शिक्षा का मतलब होता है बच्चों के जीवन को तराशना। शिक्षा मूल उद्देश्य से ही समानता है। इसके अलावा इस अवसर पर मुन्ना सिंह चौहान विधायक विकास नगर ने स्मार्ट क्लास आवश्यक कार्य के लिए 3 लाख की धनराशि और स्वीकृत की। हम निश्चित रूप से एक बड़ी मल्टी प्रॉन स्ट्रेटेजी के तहत काम करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी का एक अभियान है कि देश विश्व गुरु की उस परम वैभव को हासिल करे। उसका माध्यम तो हमारे छोटे बच्चे, हमारी भविष्य की पीढ़ी हैं, स्कूल हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर थानाध्यक्ष धर्मेंद्र राठी और घनौरी चौकी प्रभारी ने आगामी चुनाव को लेकर ग्रामीणों के साथ बैठक की। इस दौरान थानाध्यक्ष धर्मेंद्र राठी ने कहा कि चुनाव के दौरान ज्यादा अफवाहें फैलती हैं, इस पर ध्यान न दें और नशे का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें कि वो नशा न किया जाए और कोई भी व्यक्ति अगर नशे का कारोबार करता हुआ देखा गया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई पर अमल किया जाए। गांव में शांति व्यवस्था भी बनाए रखनी चाहिए, साथ ही समस्या से संबंधित जानकारी फिलहाल जुटाई जा रही है जिससे चुनाव में होने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सके। वही सड़कों पर अधिकांश सड़क दुर्घटनाओं का कारण नशा, रफ्तार, मोबाइल और लापरवाही होती है। जिन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए यातायात पुलिस और जनपद पुलिस हमेशा से ही सक्रिय दिखाई दे रही है। जनपद चमोली में यातायात को सुरक्षित व सुगम बनाना नव नियुक्त पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे की विशेष प्राथमिकताओं में से एक है। इसी क्रम में आज यातायात निरीक्षक चमोली प्रवीण आलोक की ओर से राजकीय इंटर कॉलेज माड़ा घिंगराणा में एनसीसी के 50 छात्र छात्राओं को प्रधानाध्यापक रविंद्र सिंह के सहयोग से यातायात नियमों से अवगत कराया गया। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक चमोली का पदभार ग्रहण करते हुए उनका सुरक्षित यातायात पर भी विशेष फोकस है। पर्वतीय राज्यों में अधिकांश दुर्घटनाओं के कारण सदैव से ही नशा, रफ्तार और लापरवाही रही है, इसलिए लोगों को यातायात के नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। महसूस किया है पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय जनपदों में कि दुर्घटना का जो एक मुख्य कारण जो आ रहा है कि तेज रफ्तार हो गया, नशा हो गया या मोबाइल में बातें करना या नाबालिग के द्वारा गाड़ियाँ चलाना, तो हम इन चीज़ों पर फोकस करते हुए एक अभियान चला रहे हैं लगातार। और जैसे बिना हेलमेट वाहन चलाना, तो ये दुर्घटना के मुख्य कारण होते हैं। दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में मतलब वहाँ पे भी डेंजर जोनों पे भी हम देख रहे हैं कि कोई ओवर स्पीड ना हो, कोई नशे में ना हो, इन चीजों पर फोकस किया जाए। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।